संघर्ष की अमर वीरांगना जय कुमारी। मेरा भारत महान सचमुच परम महान, अगणित संतों की तथा शूरवीर नर नारी रत्नों की यह खान है। उन नारी रत्नों में से एक रत्न जिसने श्री राम मंदिर के ही कारण अपना सुकुमार सुगंधित जीवन पुष्प समर्पित कर दिया है, उसका शुभ नाम है रानी जय कुमारी। श्री राम पुत्र कुश ने अयोध्या में मंदिर बनवाया। काल के प्रवाह में मंदिर खंडहर में रूपांतरित हो गया। सम्राट विक्रमादित्य ने उसी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन धर्म तथा प्रभु रामचंद्र की जय जयकार होने लगी। लेकिन शरणागत को अभय देना इस श्रेष्ठ गुण का अयोग्य व्यक्ति के लिए उपयोग करने से विषाक्त फल मिलता है, उसका अनुभव हिंदू समाज तथा राम जन्मभूमि के भी कितने संकटों का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को दया दिखाकर छोड़ दिया था। परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी ने बार बार हमारे श्रद्धा स्थानों पर प्रहार किया और उन्हें लूटा। हिंदुओं ने अपना सर्वस्व समर्पण कर उनका बड़ी तेजस्विता से सामना किया और यशस्वी हुए। संघर्षों का सामना करने में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। जय कुमारी जी की स्फूर्तिदायक तथा यही कथा यही चरितार्थ करती है। अरे जया, जल्दी जल्दी चलना, जया की सखी कह रही थी। लेकिन जया ने तो तल्लीनता से अंबाजी की आरती उतार रही थी। सखी की बात तो उसने सुनी नहीं। पूजा की थाली और प्रसाद लेकर बाहर निकली तो सामने यवन सैनिक खड़े थे और लगे छेड़खानी करने। जया ने उसको दुत्कारा। उनमें से एक जूते पहनकर ही मंदिर में जाने लगा। जया बोली, अगर मंदिर में जाना है तो जूते उतार कर जाओ। घमंडी तथा दुष्ट यवन सरदार ने व्यंग पूर्वक हंसते हंसते कहा, तुम्हारा यहाँ पत्थर का भगवान, इस पर हम पेशाब भी करेंगे। उसके ये शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि जया ने अपनी कटियार निकालकर उस पर फेंकते हुए वार किया और धराशायी कर दिया। यह घटना थी जया के बाल्यकाल की। फूल के गुण बचपन में ही दिखाई देते हैं। इस प्रसंग से जया के जीवन को क्रांतिकारी दिशा मिल गई। उसने यवनों को अच्छा सबक सिखाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जया के पिताजी मुस्लिम राजा के मांडलिक राजा थे। उनको यह प्रसंग आपत्तिजनक लगा, लेकिन जया ने 3000 महिलाओं को सैनिक शिक्षा दी। उनके गुरु थे महेश्वरानंद स्वामी, जो परम राम भक्त थे। उसे उनका मार्गदर्शन योग्य रूप से मिला। जय कुमारी की विवाह हंसवर राजा के युवराज रणविजय सिंह के साथ हुआ। दोनों राम भक्त गुणवान और एक दूसरे के अनुरूप थे, श्री राम सीता जैसे। मुस्लिमों द्वारा होने वाले अत्याचार उनके मन में चुभते थे। हंसवर राज्य की सीमा के पास ही मुस्लिम राज्य था। अयोध्या तो केवल 50-60 कोस ही दूर था। एक दिन यह आपत्ति तो अयोध्या पर भी आएगी। यह सोचकर स्वामी महेश्वरानंद तथा उसके शिष्यगण गांव गांव में जाकर युवा शक्ति संगठित तथा प्रोत्साहित करने लगे। अपने मान बिंदु तथा श्रद्धा स्थान की रक्षा करने की मानसिकता निर्माण करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने सेना तैयार की। यवनों के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन महाराज रणविजय सिंह रानी जय कुमारी से बोले, अब मुझसे यह अत्याचार नहीं सहा जाता। लगता है हम ही यवनों पर हमला करें और उन्हें भगा दे, लेकिन तुम्हारे लिए मन चिंतित होता है। वीर पत्नी महारानी जया भी तुरंत बोली, आप वीर पुत्र है और मैं भी तो वीर कन्या हूँ। आप विजय श्री लेकर ही आएंगे, लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो मैं भी क्षत्राणी हूँ, आपकी अधूरी इच्छा पूरी करूंगी। रानी का आत्मविश्वास देखकर, राज्य का दायित्व रानी के ऊपर देकर रणविजय सिंह ने मीर बाकी पर हमला किया और उसे भगाया। अयोध्या फिर से स्वतंत्र हो गई। यह यवनों पर हिंदुओं द्वारा किया गया तीसरा हमला था, लेकिन हाय रे दुर्दैव, केवल 15 दिवस के स्वातंत्र के बाद मीर बाकी फिर से बड़ी सेना लेकर आया और महाराजा रणविजय सिंह पर हमला किया। इस युद्ध में महाराजा रणविजय सिंह ने वीरगति पाई। रानी जय कुमारी महाराज की वीरगति का समाचार सुनकर हताश नहीं हुई। उनके पास शोक करने के लिए समय ही कहाँ था। अपने मुख पर मानव सुलभ दुर्बलता का यत्किंचित विभाव न उमड़ने दिया, बल्कि अपने सैनिकों को, जिनमें महिला सैनिक भी शामिल थी, उन्हें प्रोत्साहित कर बोली, महाराज मरे नहीं है, मेरा सुहाग राम जी की
बलि वेदी पर चढ़कर अमर हो गया है। उनका अधूरा कार्य पूरा करना यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अब राम जन्मभूमि का सम्मान ही मेरा सपना है। कुल गुरु महेश्वरानंद स्वामी ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया और बोले, हमारे होते हुए आपको हाथ में तलवार लेने की कोई आवश्यकता नहीं। रानी ने अपने निश्चय से तट से मच नहीं हुई। वह बोली, महाराज के ध्येय पूर्ति करना ही मेरा पतिव्रता धर्म है। उसने युद्ध में जाने की तैयारी की। सैनिकों से बोली, शत्रुओं पर छिपकर वार करो, कपट नीति से चलकर ही हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। राज्य का कार्यभार पुत्र को सौंपकर स्वामी महेश्वरानंद जी के साथ लड़ाई के लिए रणांगण में पहुंची। एक राजकन्या सुकुमार कोमल सौंदर्यवती अब रणचंडिका बनकर यवनों पर टूट पड़ी। राजवैभव में विकसित होने वाली पुष्पकली का समय की मांग से चिंगारी बनी और युद्ध रूपी अग्निकुंड प्रज्वलित कर यवनों की सत्ता को भस्मसात किया। प्रतिमा गरे का यह लेख है तरुण भारत नागपुर से, मिनिशितम 1917 से 1971 की बात। मौसा जी के साथ लखनऊ और वहां से अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री राम व मौसा जी के श्रद्धा निधान वे हम दर्शन के लिए गए। लोहे की सराखों के दरवाजों के अंदर एक कुर्सी पर रामलला का फोटो रखा था। हार पहनाए गए थे, धूप बत्ती भी जल रही थी। अपने आराध्य देव को इस प्रकार बंदी देखकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मेरे राम राजा को और कितने दिन इस प्रकार कैदी के रूप में रहना पड़ेगा। स्वाधीन भारत में भी कोई माँ का सपूत नहीं है जो इनको मुक्त करेगा। हाथ जोड़कर भावीभोर होवे खड़ी हो गई। उनके मन की आर्त पुकार किसी सपूत के मन को छू गई, एक नहीं लाखों के मनों को छू गई और श्री राम उनकी जन्मस्थली मुक्त हो गई।